हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एंड किचन। और कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या कर रहे हैं आप लोग? हम तो चल रहे हैं अपने चाय की तैयारी करने, यानी शाम की तैयारी करने। आज मैं आप लोगों के साथ अपने डिनर में जो भी कुछ बनाऊँगी वो आपसे शेयर करूँगी। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए, एक मिनट, अगर जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट कर मेरे को बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर चलते हम अपने किचन में। और ये देखिए, ये है मेरे मास्टर लक्ष्य कश्यप, इनसे मिलिए। इन्होंने क्या कर रखा है अपने चेहरे पर, यानी कि अपने फेस पर, इन्होंने ये देखिए अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, अपना फेस शो ही नहीं करना चाहते हैं। ये देखिए कैसे इन्होंने अपने फेस के आगे तकिया लगा रखा है। ये देखिए इनसे मिलिए। और देखिए इन्होंने सीढ़ी भी लगा रखी है। ये शरारत तो इतना करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले हैं ना, इनसे आगे मिलेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे हैं ये यार। बेटा हटाओ, ये देखिए हेलो तो करो। फिर गंदी बात, हेलो बोलो। अच्छे से थोड़ा मम्मा की बात, हेलो बोलो। उठ कर उठ जाओ। और ये देखिए, हाँ हेलो तो बोलो। हेलो। ऐसे गंदी तरह से, हाय राम, सब आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे। फिर ये देखिए आप लोग भी कहेंगे कि कितना महान बच्चा है ये मेरा, देख रहे हैं, ये इतने महान हैं। ये देखिए ये देखिए, दिख रहा है। हेलो फ्रेंड, अब मैं ये काट रही हूँ अपनी ग्वारफली, यानी कि ग्वारफली भी इसको बोलते हैं, और हम लोग इसको कुर्थी की छियाँ भी कहते हैं। और उसको मैंने काट लिया है और ये बॉयल कर लिया है, और ये हम चाय बना रहे हैं। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और शाम की चाय की तैयारी हो रही है, और हम लोग अब चाय पियेंगे। फिर इसके बाद ये देखिए हमारी चाय बन चुकी है, और अब हम लोग चाय पियेंगे। फिर इसके बाद आते हैं अपने किचन में, और ये देखिए ये हम दाल बनाने जा रहे हैं। अरहर की दाल चढ़ाई हुई है, और इसमें अमिया डाल दी है, और हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। अरहर की दाल मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर बाद में इसमें जीरा, हींग और लाल मिर्च, यानी कि सूखी हुई लाल मिर्च की तड़का लगा दूँगी, और हमारी दाल तैयार हो जाएगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने हल्दी, नमक और अमिया डाली हुई है। आज इस समय गर्मियों के समय में अमिया की दाल बहुत अच्छी लगती है, दाल खट्टी खट्टी होती है तो बहुत अच्छी दाल लगती है। और हमारे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए हैं तो मैं उनके लिए चाय निकालने जा रही हूँ, और वो समोसे भी लेकर आए हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे हस्बैंड और ये हैं उनके फ्रेंड। देखो तो इधर, हेलो नहीं करोगे? सुनो, हेलो तो बोल दो। अब ठीक है लाचित, तुम नहीं। और ये मैंने अपने बेटे से कहा समोसे खा लो, तो अभी उसका शायद खाने का मन नहीं है, क्योंकि वो बाहर से खेल कर आए हैं। और अब चल रहे हैं हम अपनी सब्जी बनाने। ये है थोड़े से चावल जिसको मैंने एक घंटा पहले भिगो कर रख लिया, तकरीबन 3-4 चम्मच होंगे। और ये लहसुन है 6-7-8 हो सकता है तो। और लहसुन को और चावल को दोनों मिक्स करके मैं इसको पीस लूँगी। और मैंने इधर गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसमें तेल भी डाल दिया है ताकि तेल गर्म हो जाए। और फिर इसके बाद मैं अपनी इन सब्जियों में, यानी कि ये जो सब्जी है कुर्थी ग्वारफली की सब्जी, इसमें मैं अपना जो चावल का पेस्ट बनाया है उसको डालूँगी।
ये दरअसल मैंने मिक्सी में पीसा था तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, तो वो पानी मैंने हटाया है और इसमें चावल और लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया था उसको डाल लिया है। और इसमें मैं हल्दी डालूँगी, धनिया डालूँगी, यह पिसा हुआ धनिया, और अब मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी, गरम मसाला, ये हो गया हमारा लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, सब इसमें एक साथ ही मिक्स कर लेंगे और एक चम्मच से इसको मिक्स कर लेंगे हम। वैसे तो ये ग्वारफली की कई हर तरह से सब्ज़ी बनती है, लेकिन मेरे यहाँ इस तरह की सब्ज़ी कुछ ज़्यादा पसंद की जाती है। और इसके बाद मैं किसी दिन आपको इसका चोखा समझ लीजिए या अचार इसका समझ लीजिए, मतलब कि अचार की तरह भी बनता है, लेकिन वो रखा नहीं जाया मतलब रख नहीं सकते उसको आप, एक दो दिन में ही ख़त्म करना होता है। चाहे आप उसको चोखा कह लीजिए या अचार कह लीजिए। और इसकी दो तीन तरह से सब्ज़ियाँ बनती है, एक मैं चोखा और एक तरह की सब्ज़ी और आपके सामने बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इस तरह की सब्ज़ी बना रही हूँ, ये दूसरी तरह से। और वैसे तो आजकल के समय में सभी कोई सब कुछ बना लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ना बना सकता हो, लेकिन ये हमारा तरीका है बनाने का। और ये देखिए हमारा तेल गरम हो रहा है और अब इसमें हम जीरा और हींग का तड़का लगाएंगे। और मैं जीरा डालने जा रही थी तो उसी समय मेरा बेटा बोलता है कि मेरे को जीरा डालना है, तो मैंने कहा कि आप ही डालो। तो अब उसमें जीरा पड़ेगा और हींग का तड़का लगेगा। और ये देखिए ये हमारा तेल जो है गरम हो रहा है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ये बताएं कि हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ये देखिए हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, जीरा भी पड़ गया है और अब इसमें हींग भी पड़ गया है। और ये जो मैंने सब्ज़ी में अपनी मिक्स किया था ग्वारफली में, और अब मैं इसको डाल दूँगी इसमें कढ़ाई में। ये देखिए फ्रेंड हो गया है हमारा जीरा अच्छे से, और अब मैं इसमें डालूँगी अपनी ये ग्वारफली की सब्ज़ी और इसको अब मिक्स कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड डाल दिया और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको अब ढक दूँगी और फ्लेम इसकी यानी कि गैस थोड़ी सी स्लो कर दूँगी। तकरीबन ये 10-15 मिनट में सब्ज़ी हो जाती है। और ये देखिए फ्रेंड गैस स्लो कर दिया था मैंने, और ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी हमारी हो गई है, एकदम लाल लाल हो गई है, अच्छे सी फ्राई भी हो गई। ये देखिए हमारी कढ़ाई सब्ज़ी ने तेल भी छोड़ दिया है और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। दरअसल इसकी सब्ज़ी मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है इस तरह से, और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छी लगती है और हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए फ्रेंड हमारी सब्ज़ी हो चुकी है और मैं इसको अब निकालूँगी दूसरे बर्तन में और गैस करती हूँ अपनी मैं बंद। ये देखिए फ्रेंड्स और दाल भी मेरी बन चुकी है, चावल भी बन चुका है। शाम को रोटी मैंने नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों ने समोसे वगैरह खा लिए थे तो पेट ज़्यादा भर गया है। और ये मेरी प्लेट है जिसमें इसमें मीठी दही है, और ये मेरे बेटे की थाली है जिसमें नमकीन दही है। और हस्बैंड को मेरे दही देना नहीं है क्योंकि उनको सर्दी जुकाम हो रखा है, इसलिए वो शाम को रात में यानी कि दही तो खाते ही नहीं हैं। और आप लोग भी खा लीजिए। और ये हमारे हस्बैंड और मेरे बेटा दोनों लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग नीचे ही बैठकर खाना खाते हैं आराम से। गर्मियों में तो नीचे बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और है। हेलो फ्रेंड, मैं जा रही थी सोने लेकिन मेरे को याद आया कि मैंने तो ब्लॉग अभी बंद ही नहीं किया,
तो इसलिए मैं अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी वीडियो को अब हम देते हैं यहीं पर विराम, और फिर से मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट।